हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत बैचलर इंडिकेट में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कैसे आप भीम यूपीआई में एक अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अगर भीम अकाउंट में अभी एक अकाउंट आप क्रिएट करते हैं तो आपको फ्लैट 150 रुपीज का कैश मिलने वाले। एक भीम यूपीआई का ऑफर चल रहा है जहाँ पे आप भीम यूपीआई में एक अकाउंट क्रिएट करके फ्लैट 150 रुपीज अर्न कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बात करेंगे ये भीम यूपीआई में कैसे आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं बस 2 मिनट में। तो वीडियो कंप्लीट देखिए बिना स्किप किए। वीडियो अच्छे से वीडियो लाइक चैनल सबसे पहले नोटिफिकेशन बिल को जरूर से क्लिक करिए। अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए, वीडियो को डिस्क्रिप्शन हमारे टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मिल जाएगा। आप जाकर उस लिंक को क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। काफी सारे ऑफर की जानकारी, नए नए अपडेट जानकारी हम पहले आपको देते हैं। देखिए भीम यूपीआई यूपीआई का फर्स्ट एप्लीकेशन है और ये गवर्नमेंट अप्रूवल एप्लीकेशन है। यानी जब भी यूपीआई स्टार्ट हुआ था तो भीम यूपीआई ऐसा एप्लीकेशन था जो पहले ही लॉन्च हुआ था और पहले आपको यूपीआई का फैसिलिटी दिया था जहां से आप यूपीआई ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो आप ये मान के चलिए यूपीआई का जब भी यूपीआई एप्लीकेशन की बात होती है तो भीम यूपीआई पहले आती है, क्योंकि ये फर्स्ट ऐसा एप्लीकेशन था जो यूपीआई आपको यूपीआई यूज करने का मौका दिया था। तो अभी उस पे कैसे अकाउंट क्रिएट करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। बहुत ही इजी है उसमें अकाउंट क्रिएट करना। बस आप वीडियो को 2 मिनट कंप्लीट देख लेंगे तो आप पता कर सकते हैं कि वहां पे अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। तो चलिए हम चलते हैं प्ले स्टोर में। जब भी प्ले स्टोर में जाएंगे तो आपको भीम यूपीआई सर्च करना है। जैसे भीम यूपीआई आएगा तो आपको भीम यूपीआई का इंस्टॉल करना है और उसका ओपन करना है। जैसे आप ओपन करेंगे तो भीम यूपीआई का ऑप्शन कुछ इस तरह दिखाई देगा। देखिए बिल्कुल गवर्नमेंट अप्रूवल एप्लीकेशन है। आप ये सोच लीजिए इंडियन गवर्नमेंट का ये ऑफिशियल एप्लीकेशन है भीम यूपीआई। जब भीम यूपीआई का आप ओपन करेंगे तो सबसे नीचे आपको पहले आपको आपका लैंग्वेज चूज करना पड़ेगा कि आप कौन से लैंग्वेज में इसी एप्लीकेशन को यूज करना चाहते हैं। तो जब आप लैंग्वेज चूज कर लेंगे नेक्स्ट स्टेप पे आपको यहाँ पर सबसे नीचे प्रोसीड का ऑप्शन आएगा। जब आप प्रोसीड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे उसके बाद देखिए यहाँ पर काफी सारा ऑप्शन आएगा। प्रोसीड ऑप्शन के बाद आपको यहाँ पर कुछ अलाउ करने का बोला जाएगा तो आप कुछ अलाउ कर लीजिए। जैसे आप यहाँ पर कुछ अलाउ कर लेंगे तो आपके यहाँ पर SIM 1 SIM 2 चूज करने का बोला जाएगा। जो भी सिम में आपका बैंक अकाउंट लेंगे तो वो सिम को आप यहाँ पर चूज कर लीजिए। जैसे आप चूज कर लेंगे तो नेक्स्ट स्टेप पे आपका जो मोबाइल नंबर है वो वेरीफाई होगा। तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई होने के लिए। जिसका भी मोबाइल नंबर वेरीफाई नहीं हो रहा है, काफी सारा फ्रेंड का मोबाइल नंबर वेरीफाई नहीं हो सकता, अगर किसका भी मोबाइल वेरीफाई नंबर वेरीफाई होने में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मैं आपको और एक सोल्यूशन बता दूंगा। जैसे मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएगा तो आपको एक आपका पासवर्ड यानी एक पिन चूज करने को बोला जाएगा, जो पिन आपका एप्लीकेशन ओपन करने के टाइम में जरूरत पड़ेगा। तो आप एक पिन चूज कर लीजिए। जैसे आप पिन चूज कर लेंगे तो नेक्स्ट स्टेप पे आपका आपका बैंक अकाउंट लिंक करने के लिए बोला जाएगा। जो भी बैंक अकाउंट आपका होगा वो बैंक अकाउंट आप यहाँ पर सर्च कर लीजिए। जो भी बैंक अकाउंट आपका लिंक करने के लिए चाह रहे हैं यहाँ पे आप वो बैंक अकाउंट यहाँ पर सर्च कर लीजिए। जैसे आप बैंक अकाउंट सर्च कर लेंगे तो वो बैंक अकाउंट पे क्लिक कर लीजिए। जैसे आप वो बैंक अकाउंट पे क्लिक कर लेंगे तो वो बैंक अकाउंट ऑटोमेटिकली ढूंढ लेगा कि आपको कौन से बैंक अकाउंट उस पे है। आप अपना अकाउंट नंबर देखिए, लास्ट 4 डिजिट अकाउंट नंबर दिखाई दिया, उसके बाद वहां पर टिक करने बाद गो बैक पे क्लिक करिए। जैसे गो बैक पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपका जो अकाउंट है बिल्कुल अभी तैयार हो गया है। भीम यूपीआई अभी तैयार हो गया। अभी भीम यूपीआई को यूज कैसे करना है, कैसे ऑफर आपको देखने, उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। चलिए बात करें उसके यूज कैसे करना है। जब भी आपका भीम यूपीआई में बिल्कुल अकाउंट सक्सेसफुल ओपन हो जाएगा तो आप भीम यूपीआई ओपन करिए। जैसे ओपन करेंगे देखिए सबसे ऊपर सेंड मनी, आप सेंड टू मोबाइल या यूपीआई आईडी पे यहाँ पर मनी सेंड कर सकते हैं। सेकेंड में सेंड टू बैंक, आप अपना बैंक अकाउंट में कोई भी बैंक अकाउंट में पेमेंट भेज सकते हैं। अप्रूव टू पे, कोई भी आपको पेमेंट रिक्वेस्ट भेजता है तो आप यहाँ पर अप्रूव टू पे कर सकते हैं। जैसे कि गूगल पे और फोन पे में नोटिफिकेशन पे आता है। उसके बाद आपका क्यूआर कोड आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि आपका क्यूआर कोड क्या है। उसके बाद देखिए चेक बैलेंस, आप अपना बैंक का बैलेंस चेक कर सकते हैं। साइड में रिक्वेस्ट मनी, अगर आप किसको रिक्वेस्ट मनी सेंड करना चाहते हैं तो रिक्वेस्ट मनी भी सेंड कर सकते हैं। जितना भी अमाउंट वहां पे रिक्वेस्ट करेंगे वो आपको उतना पेमेंट कर लेंगे और साइड में ट्रांजेक्शन हिस्ट्री दिखाई देगा। उसके थोड़ा सा नीचे आप अपना यूपीआई लाइट का बैलेंस चेक कर सकते हैं, एक्टिव कर सकते हैं। और अगर कोई भी क्रेडिट कार्ड को आप लिंक करके रखें उसका बैलेंस भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। थोड़ा सा नीचे आएगा रिचार्ज एंड बिल पेमेंट का काफी सारा फीचर यहाँ पे दिया गया है। आप अपना कोई भी मोबाइल का रिचार्ज कर सकते हैं, कोई भी बिल पेमेंट कर सकते हैं, फास्टैग रिचार्ज कर सकते हैं। काफी सारा ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। सबसे नीचे यहाँ पर टैप टू पे, स्कैनर पे और वॉइस पे का ऑप्शन दिया गया है। तो ये बहुत ही इजी है यहाँ पे भीम यूपीआई का यूज करना। हम कैसे टैप टू पे को यूज करना है, कैसे वॉइस पे को यूज करना अगर आप बताएंगे तो मैं एक वीडियो भी बना दूंगा। सबसे ऊपर प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर सारे कुछ ऑप्शन दिखाई देगा, जैसे कि आपका क्यूआर कोड, कौन सा बैंक अकाउंट लिंक है, अगर आप और कोई दूसरा बैंक अकाउंट ऐड करना चाहते हैं वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आप देखते हैं ट्रांजेक्शन हिस्ट्री वगैरह, सेटिंग वगैरह, काफी कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा।
बहुत ही इजी है यहाँ पर एप्लीकेशन में यूज करना है और बहुत ही आसान है भीम यूपीआई का यूज करना। अभी जैसे मैं पहले बता चुका था कि भीम यूपीआई में एक ऑफर चल रहा है, आप जब भी अकाउंट क्रिएट करेंगे तो आपको फ्लैट 150 रुपीज कैप्शन मिलेगा। तो कैसे आपको फ्लैट 150 रुपीज कैप्शन मिलेगा अगर आप जानना चाहते तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट मेरे कमेंट बॉक्स में करिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में एक वीडियो बनाया हुआ कि कैसे आप भीम यूपीआई से फ्लैट 150 रुपीज से अर्निंग कर सकते हैं। ये था कंप्लीट वीडियो कि भीम यूपीआई में कैसे अकाउंट क्रिएट करना है, कैसे इसको यूज करना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक चैनल सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को जरूर से क्लिक करिए।